डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास करना क्या है, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग का फंडा आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि सीजर साइफर, मतलब आज से 2000 साल पहले, इससे भी ज्यादा का टाइम है, 2000 साल पहले जूलियस सीजर इस चीज को यूज करता था अपने मैसेज को डायरेक्टली भेजने की बजाय, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट बोल देते हैं, उसको डायरेक्टली भेजने की बजाय उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजता था, ताकि रास्ते में कोई उस मैसेज को रीड ना कर सके। देखो, 2000 साल बाद भी हम इसी चीज को कर रहे हैं, तो आप देख लो उस टाइम पे कितनी टेक्नोलॉजी जो थी, मतलब उन्होंने कितना दिमाग जो है वो एक्चुअल में यूज किया था। टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, बट दिमाग देखो कितना उन्होंने यूज किया। तो यहाँ पे क्या कहता है सीजर साइफर, कि अगर आपके पास एक सिंपल सा मैसेज है, लेट्स से ABCD, आवाज पे मत जाना, दो तीन दिन से गला थोड़ा खराब हुआ पड़ा है, बट मेरे को था कि यार वीडियो बनानी जरूरी है, ऐसा ना हो कि गले की वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैंने सोचा गला अपने आप चलता रहेगा, आपके लिए वीडियो जरूर बना दूं, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाए इंटरव्यूज में या कहीं पे भी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेट से मेरे पास कोई मैसेज है ABCD, मतलब जूलियस सीजर ने ABCD मैसेज भेजना था किसी बंदे को, तो ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जिसको कोई भी रीड कर सकता है, लेकिन अगर मैं ABCD भेजूंगा तो ऑब्वियसली कोई भी रास्ते में इसको रीड कर सकता है। मतलब जूलियस सीजर ने एक सिपाही को भेजा कि ये ले ABCD मैसेज ले और फलाने बंदे को देके आ, रास्ते में उसने चिट्ठी को खोला, अच्छा इसका मतलब ये है, वो पढ़ सकता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक सिंपल सी टेक्निक यूज की कि यार ABCD मैं एज इट इज नहीं भेजूंगा, मैं इसमें शिफ्ट का फंडा यूज करूंगा। शिफ्ट, अब शिफ्ट मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे Shift 3 भी यूज कर सकते हैं, Shift 5 यूज कर सकते हैं, तो होगा क्या, जैसे अगर मैं Shift 3 का यूज करता हूं तो वो क्या करेगा, ए जो इसे ए डिजिट है, मतलब ए अल्फाबेट है, उसको 3 आगे शिफ्ट कर देगा, तो क्या बन जाएगा BCD, मतलब ए में आपने 3 ऐड कर दिए, तो ए का इंडेक्स एक तरह से क्या है, 0, अगर मैं बात करूं तो बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया, तो इस तरीके से उसने क्या कर दिया, ए को डी में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियसली फिर आप बी को तो इजीली कर ही सकते हो, तो BCDE, तो यानी ये क्या हो गया, ई, ऐसे ही आपने CDEF, तो ये क्या बन गया आपका, एफ, और ऐसे ही DEFG, तो ये आपका मैसेज बन गया। अब जो जूलियस सीजर था वो एक्चुअल में ABCD नहीं भेजता था, वो ये वाला मैसेज भेजता था जिसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। अब ये जो साइफर टेक्स्ट रास्ते में उस सिपाही को भेजा, जैसे उसने देखा रास्ते में गलती से, अच्छा ये मैसेज है, बट एक्चुअल में वो मैसेज था नहीं, मैसेज एक्चुअल में ये है, तो जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, उसको ऑलरेडी पता है कि भैया ये Shift 3 का फंडा यूज करते, कभी तो कभी मिलते ही होंगे ना, अगर आपके दिमाग में आए कि सर उसको क्या पता Shift 3, हो सकता है Shift 5, तो कभी ना कभी तो मिलते होंगे, तो उस टाइम पे उन्होंने बता दिया कि भैया मैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अभी Shift 3 का यूज करूंगा, या मैं 3 महीने के लिए Shift 5 का, तो बेस्ड ऑन दैट उसको पता है कि भैया ये जो है वो 3 से ऐड किया हुआ है, तो वो क्या कर देगा, इसमें -3 कर देगा, तो डी में -3 करेंगे तो डी का इंडेक्स क्या है आपका, 0, 1, 2, 3, तो -3 करोगे तो ऑब्वियसली 0, मतलब आपका ए ही दोबारा आ जाएगा, ऐसे फिर ये बी और ये सी और ये डी, तो इस तरीके से आपका मैसेज जो है वो दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन आज के टाइम पे हम जितने भी बात करते हैं ए सिमेट्रिक की ये वो, तो कहीं ना कहीं उनका बेस जो है वो देखो इतना स्ट्रांग रहा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, इसी चीज को अगर हमने इंप्लीमेंट करना हुआ पाइथन से, आपके इंटरव्यूज वगैरह में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो कैसे करोगे, हमने क्या किया, अल्फाबेट्स ले लिए पहले सारे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, सारे 26 के 26 हमने ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एनकोडेड मैसेज दे दिया। एनकोडेड मैसेज मतलब कि ये एक तरह से रिसीवर कर रहा है, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, रिसीवर मतलब कि उसके पास एनकोडेड मैसेज आ चुका है, एनकोडेड मैसेज आ चुका है, इसीलिए इसका नाम मैंने एनकोड रखा है। तो ये प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट है, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो DEFG ये मैसेज आया उसके पास, उसने क्या करना है, डीकोड करना है, तो डीकोड के लिए अभी उसने खाली स्ट्रिंग ले ली, उसके बाद फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एनकोड, तो 0 से लेके पूरी लेंथ तक ये चलेगा, और ये क्या करेगा, डीकोड इज इक्वल टू डीकोड प्लस अल्फाबेट, अल्फाबेट डॉट इंडेक्स एनकोड आई -3% 26, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला मैसेज में से इसने उठा लिया कि 0 से इंडेक्स वाला कौन सा, डी, तो डी उठा लिया। अब डी का आपको पता है कि इंडेक्स क्या है, अल्फाबेट डॉट इंडेक्स डी, अब ये आपको पता है 0, 1, 2, 3, तो लो जी इसका क्या है इंडेक्स आपका 3, -3, क्या सिंपल फॉर्मूला लगाया, ऑब्वियसली उसने +3 किया था तो ये -3 करेगा, तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में करके दिखाया डी -3, तो डी का इंडेक्स क्या हो गया जी 3, और उसमें से हमने क्या कर दिया, -3 कर दिया, तो क्या आ गया 0,
परसेंट 26, 26 क्योंकि है टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं 26। अब आप किसी भी नंबर को 26 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है रिमाइंडर 0 से 25 के बीच में आएगा। जैसे अगर आप किसी को 5 से डिवाइड करो, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 या 4 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 26 से डिवाइड करता हूं तो या तो 0 या मैक्सिमम 25 आ सकता है। तो अगर मैं 0% 26 करूंगा तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। 0 तो कौन सा आपका ए। तो इस तरीके से आपका जो ये वाला एक्चुअल में मैसेज है ये डी आपका ए में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और करके दिखाता हूं। लेट से मेरे पास आया नेक्स्ट मैसेज में क्या है, मेरे पास ई। अब ई का आपको पता है कि इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4। तो ई का जो ये अल्फाबेट वैल्यू है ये क्या है, इसका इंडेक्स नंबर 4। तो एनकोडेड में से दूसरा नंबर, क्योंकि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक सारे वैल्यूज जो है वो कवर नहीं होते। तो ई का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 4। माइनस क्या किया हमने, 3। क्या है जी, 1। 1% 26 किया हूं। एक को 26 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली एक ही आएगा। तो ए कौन सा आपका, बी। तो यानी ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा आपका बी में। तो इस तरीके से आप सिंपली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकती है कि अभी तक हमारे पास जो भी हम नंबर -3 कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तब तक तो काम सही में आ जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर 25 तक रिमाइंडर आ जाएगा कुछ भी आपका। लेकिन लेट से यहाँ पे जी की जगह अगर मैं ए कर दूं, मेरे पास साइफर टेक्स्ट में ए आ गया। अब ए का इंडेक्स क्या है जी, ए का इंडेक्स तो है 0। अब उसमें से -3 करोगे तो क्या आएगा जी आपका, -3% 26। तो अगर पॉजिटिव नंबर को 26 से डिवाइड करते हो तो 0 से 25 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है डिवाइड करने के बाद। लेकिन अगर आप -3 करते हो तो -3% 26 का मतलब क्या है कि 26 में से -3 डायरेक्टली कर दो, क्या बन गया जी आपका 23। तो जो भी नेगेटिव नंबर है उसको डायरेक्टली जो है वो वैल्यू से क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या आएगा जी आपका 23। अब 23 आपको पता है कि लास्ट नंबर जेड का इंडेक्स क्या होगा, 25, वाई का 24, एक्स का 23। तो 23 कौन सा है जी आपका, एक्स। तो एक्चुअल में ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा आपका, एक्स। तो इस तरीके से आप माइनस वैल्यू भी कर सकते हो, कुछ भी इसमें सिंपल मैथमेटिक्स ही है। तो इस तरीके से ये वाला जो है वो एनकोडिंग डिकोडिंग। अब देखो ये मैंने क्या किया, डिकोड किया, एनकोडेड मैसेज को डिकोड किया। अगर आपको उल्टा करना हो कि आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना हो तो आप +3 कर दो, ये तो आप आई थिंक कर ही सकते हो, या कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप मैंने अगर करना हुआ तो किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊं तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो लो जी आपका वही सेम चीज, मैंने डी ई एफ जी और उसका उल्टा क्या बन गया, ए बी सी डी। और वही मैंने यहाँ पे आपको चेंज करके दिखाया था। लेट से अगर मैं जी की जगह ए कर दूं, या आप ऐड भी कर सकते हो, तो एक्चुअल में क्या आ गया जी, उस ए का माइनस वही 0 -3 -3, तो 26 -3 क्या हो गया, 23। तो 23 किसका है जी आपका, एक्स का। तो इस वजह से आपका ये आ गया। तो इस तरीके से सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।